ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आया हूँ ज़िला शेखुपुरा और मुझे यहाँ पे बताया गया है मेरे रिलेटिव्स की तरफ से कि यहाँ कुछ फासले पर एक गुरुद्वारा है और वहाँ पे सिख कम्युनिटी आई हुई है हिंदुस्तान से, इंडिया से। तो मैंने सोचा चले उनसे अब मुलाकात भी करते हैं और शहाब भाई के बारे में उनसे पूछगछ भी करते हैं, सवालात भी करते हैं, क्या वो शहाब भाई को जानते हैं या नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो शहाब भाई के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कुछ फासले पे फरुखाबाद के पास एक सच्चा सौदा गुरुद्वारा है, हम उस गुरुद्वारे के पास जा रहे हैं और उस सिख कम्युनिटी से हम गपशप करेंगे, फिर आपको भी हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। ये हम जा रहे हैं सच्चा सौदा गुरुद्वारा की तरफ, वहाँ पे सिख यात्री आए हुए हैं पूरे इंडिया से, यूके से, कनाडा से। तो ये उनकी बसें सामने खड़ी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी बसें खड़ी हुई हैं और ये हम नहर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे आगे सच्चा सौदा गुरुद्वारा। ये हम आगे हैं, आगे ये देखें ये सारी बसें, बहुत ज़्यादा तादाद में ये बसें खड़ी हैं यहाँ पे उनकी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि शहाब भाई के बारे में लोगों से गपशप करेंगे। शहाब भाई चूँकि इंडिया के हैं और सिख कम्युनिटी भी ज़्यादा इंडिया की है। ये अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे फरुखाबाद के पास और यहाँ पे काफ़ी जो सिख यात्री हैं ये गुरुद्वारा से मतलब सलाम करके वापस आ रहे हैं और उनसे पूछते हैं जी, ये देखें, हाँ जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, ठीक हो? चढ़दी कला। कितों दे हो? पाकिस्तान दे के इंडिया दे? इंडिया दे, जिला पटियाला तो। जिला पटियाला तो? ते पाकिस्तान आके किदा फील हुंदा? मैं कहना नज़ारा आ गया जी, नज़ारा। लोग किस तरह ने पाकिस्तान दे? मैं कहना जी खुश मिजाज लोग ने, नज़ारा आ गया। खुश मिजाज लोग ने, बल्ले बल्ले खुशी हुंदी पाकिस्तान आ गए। मैं कहना जी जान ते दिल ही नहीं करता। अच्छा करा लो फिर, पक्के पक्के करा लो, साडे करा देने आ, परवाना करो। चलो और सुनाओ? अल्लाह दा शुक्र है जी, ठीक ठाक। की सेवा करिए तुहाडी? बस सेवा कोई रही नहीं कसर गई थे सेवा। नाम की अपना? नाम बेअंत सिंह चीमा। चीमा साहब, चलो जी ऐसे चीमा साहब ने वीडियो इंडिया तक जा रही है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके मेहरबानी। ये इंडिया के लोग ने बड़ा प्यार करने वाले लोग ने, साढ़े कुछ और लोग भी मौजूद ने, इन्हों भी गल करने। भाजी की हाल चाल है? की हाल है जी? वधिया। हो इंडिया तो के पाकिस्तान तो? इंडिया तो। इंडिया के कड़े शहर तो जी? असीं जी हैगे आ तरनतारन। की नाम है अपना? जोबन। जोबन जी, किदां फील हुंदा पाकिस्तान आ के? बहुत वधिया लग रहा है जी। वधिया लग रहा है। हले एक बाबा जी सिख साहब मिले सन, कहिंदे साडा दिल नहीं करदा पाकिस्तान तो जाण दो। ताडा भी इदां ही दिल करदा? हां जी हां जी। खुशी महसूस हुंदी? टाइम हो गया जी इस बार। अच्छा इंडिया दे पाकिस्तान दे लोग किस तरह दे तुहानूं लगे? बहुत वधिया, प्यार करदे ने। हां जी हां जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਅਜੋ ਕੀ ਰਾਜ ਕਮੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੇ ਉਂਜੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
क्योंकि हमेशा जिहड़े अपने सियासी लोग है दूजे की गेंद खेमे में सुट के खुश रहिंदे, क्योंकि सानू असीं वेख्या इंडिया चों जिहड़े जिहड़े स्टेट चों लंघे आना, चाहे वह हिंदू है चाहे वह सिख है चाहे जिस भी मज़हब के नाल मुतालक है, उन्हें उस मुंडे नूं बड़ी सिक्योरिटी दी, बड़ा इज्जत दी, बड़ा प्यार दिता। लेकिन हुण 35-40 दिन हो गए इंडिया के ना पाकिस्तान के बार्डर से बैठा आ कि उन्हें वीज़ा नहीं उन्होंने मिलना पाया, तो दुआ करो कि वीज़ा मिले। फिर अपने मन कहने भी जेकर कोई भारत सरकार वालों कमी तो वह भी उसमें दूर करके तो वीज़ा दे, तो जेकर पाकिस्तान के आते पाकिस्तान वालों भी उसमें वीज़ा देना चाहिए। शहाब उनका नाम शहाब है जी, वास्ते दुआ कर जरूर जी। हाँ भी एक गल होर कहनी चाहना भी जेडे कहते पाकिस्तान माड़ा चाहे हिंदुस्तान माड़ा, मैं तो यह कहूँगा पाकिस्तान के माड़े लोग भी सुखी आ के भाने सब सुखी आ, रोगी के भाने सब रोगी, उन्होंने आपकी मानसिकता रोगी है, वो इस करके किसी माड़ा मैं तो गल चो के गल कटनी तुम्हें क्या जी जे लोग कहें पाकिस्तान माड़ा कुछ कहें इंडिया माड़ा, असल चो आप लोग माड़े आप लोग आप माड़े। चलो ये कुछ सिख यात्रियों से हमने गपशप की है, तो ज़ाहिर बात है उनकी ज़बान पंजाबी है, तो इसलिए हमने उनसे पंजाबी ज़बान में बात की। हो सकता है आप में से किसी को समझ ना ही हो, लेकिन उनने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है, पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री कहा है और पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने मेहमान नवाज कहा है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे ये देखें, ये लिखा है हम सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहते हैं, ये है जी फरुखाबाद। इस वक्त हम पहुंच गए हैं सच्चा सौदा जो गुरुद्वारा है उनके पास, यहाँ पे हमारे साथ कुछ सिख जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। ठीक हो? हाल है ठीक हो? अच्छा, और जरा इंडिया तक मुसलमान लड़का पैदल चलिया हज वास्ते जान दे उन्हों। और पाकिस्तान आके किदा लगा? वैसे पाकिस्तान आके इदा लगता है अपने घर आए हैं, इतनी खातिरदारी अपने मुसलमान की रात मिली है, बहुत सत्कार मिली है, बहुत आनंद करते हैं, जितना बोलिए घट है, लोग भी अच्छे ने, बहुत अच्छे ने, सिक्योरिटी भी अच्छी है, सिक्योरिटी साड़ी बहुत अच्छी है। असं कहेंगे कि जेडे विदेशों में रहते हैं जिन्हों के जिले डर पाया गया न्यूज़ चैनल आने वाले ने, तुम बिल्कुल टेंशन कोई नहीं लैनी, होते साथ ना आयो घूमो फिर जो पाकिस्तान वीर इदान वीर ने आप जगह जगह तो लैके जाएंगे, सिक्योरिटी पुलिस वालों मिल रही है हर एक चौंक से, आर्मी पुलिस ने ब्रिटिश मतलब सेफ बिल्कुल सेफ फील कर रहे हो पाकिस्तान। चलो चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। फिर ला दे पाकिस्तान 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 सत श्री अकाल पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। दार जी की हाल है? बढ़िया जी। बढ़िया हो? तड़ा की हाल है? पाकिस्तान आके कैसा लग गया? पहली बारी आए हो तुसी? पहली बारी आए हो तुसी भी? तो की एक्सपीरियंस होया? पाकिस्तान अच्छा कंट्री है? बहुत अच्छा। इतों के लोग अच्छे ने? सिक्योरिटी अच्छी मिली है? की कहना चाहोगे वेखने वाले नु जिहड़े पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं समझते? जगह अच्छी है, सोहनी सोहनी जगह है, लोग अच्छे हैं, बहुत प्यार मिलता है, गुरु नानक देव जी की धरती है, प्यार मोहब्बत वो गुरु नानक देव जी से। इंडिया तो यूके तो? यूके तो। की पैगाम देना चाहोगे लोगों नु के पाकिस्तान कैसा कंट्री है? अच्छी कंट्री है, जिदा मैं कह चुकी हूँ अच्छी कंट्री है, प्यार मिलता है, मोहब्बत है, अच्छी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे हम किसी खास वजह से नहीं आए, सिर्फ हम यहाँ पे शहाब भाई के बारे में लोगों से पूछने के लिए आए थे, क्या ये कम्युनिटी भी शहाब भाई को जानते हैं कि नहीं? कुछ लोगों से हमने सवाल किए, कुछ ने कहा हम जानते हैं, कुछ ने कहा नहीं जानते। तो इस वक्त तो हम वापस जा रहे हैं और ये भी यहाँ से शेखुपुरा गुरुद्वारा से ये वापस ननकाना साहब जा रहे हैं, तो ये इनकी गाड़ियाँ रेडी हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि अब यहाँ से जा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर यहाँ से जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का भी लोग आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।